देशों और अपने प्रदेश से जुड़ी ताजा अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें ANT नेशनल। नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं और उसके बाद साथ में दिख रही घंटी भी दबाएं। बने रहिए हमारे साथ देश और प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं ANT नेशनल। हिसार में महिला आयोग की सदस्य सुमन बेदी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। हाल ही में फतेहाबाद के जाखल मंडी के दंपत्ति द्वारा अपनी बच्ची को किसी अन्य को गोद दिए जाने गए मामले की छानबीन में पाया गया कि यह मामला गोद देने का ना होकर खरीद विरोध से जुड़ा हुआ है। सुमन बेदी ने कहा कि गोद देने की चाह रखने वाले माता पिता अपनी बच्चियों का गोदनामा कानूनी प्रक्रिया के तहत ही करें, अन्यथा बच्ची को जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि बेटी को बोझ समझना भी गलत है। हमारे जाखल में एक गाँव है, वहाँ एक गरीब मजदूर व्यक्ति है जिसके यहाँ दो बेटियाँ पहले से थी और अब फिर दो जुड़वा बेटियाँ उनके घर जन्म लिया, जिनमें से उन्होंने ये सोचा कि क्योंकि हम परवरिश अच्छे से नहीं कर सकते, इसलिए एक बेटी को हम किसी अच्छे परिवार में, समृद्ध परिवार में गोद दे दें जिनको ज़रूरत हो। तो उन्होंने ये चर्चाएं गांव में फैली और पंजाब के दड़बा नामक जो कस्बा है वहाँ से एक महिला ने उनसे संपर्क किया और 16 तारीख को वो उस बच्ची को गोद ले गई। खन्ना उन्होंने उन्हें बुलाया, वहाँ पर उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए जो कागजी कार्रवाई दिखाई गई, फ़ोटो वगैरह ली, वो बच्ची को वो ले गए। 10 दिन बाद जब उसकी मदर ने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए संपर्क हुए, क्यों ना अपनी बच्ची का हालचाल पूछा जाए, उन्होंने जैसे ही फ़ोन मिलाया तो आगे से जवाब आया कि कौन सी लड़की, वो जो 10 दिन पहले आई थी वो पंडितों की लड़की या जो अब आई है वो लड़की। तो उसकी माँ का भी माथा थनका कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब एक बच्ची पहले भी दी गई है। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने तो खरीदी है। उन्होंने 3 तारीख को शाम को कंप्लेन दी, लेकिन मेरे पास वो सूचना, वो जो शिकायत थी, वो 4 तारीख को सुबह 10 बजे मुझे मिली और एक महिला है उनके परिवार की, उसने मुझसे संपर्क भी किया क्योंकि मैंने कहा कि रेखा अग्रवाल है हमारी प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, उन्होंने मुझसे संपर्क किया। मैंने कहा कि उनको गवाह मुझसे बात करी, बात करने के तुरंत बाद मैंने इसके साथ से बात की कि FIR लॉन्च हुई या नहीं, उसकी मुझे एग्जैक्ट सिचुएशन भी बताएं। तो जैसे उनसे बात हुई, उन्होंने बहुत जल्दी कार्रवाई करते हुए, SP जो हमारे फतेहाबाद हैं दीपक सहारनवी, उन्होंने FIR के लिए बोला और टीम गठित की। तो हम वहाँ से निकले और 5 बजे दड़बा पहुँचे हम, उस महिला को हमने दबोच लिया वहीं से और उसको साथ बैठाया कि कहाँ वो बच्ची को देके आई है। एग्जैक्ट सिचुएशन उसे भी नहीं पता था क्योंकि घर का उसे भी नहीं पता था। जो दूसरी महिला थी गुरप्रीत कौर, उसको ढूंढने की कोशिश की गई उसके घर की तरफ, क्योंकि हम 9:30 बजे खन्ना पहुँचे और हमने घर में दाएं बाएं पूछताछ की, छानबीन करते रहे, सर्च किया, लेकिन वो नहीं मिली, नंबर ट्रेस पे लगाए हुए थे। तो जैसे ही कॉल करवाई गई उस महिला से जिसका, जो दड़बा से है, जिसका नाम रेशमा है, तो उसने बात की तो एक महिला उनमें से गुरप्रीत के अलावा एक और मीनू नाम की महिला सामने आई। उसने बताया कि मैं तो लुधियाना हूँ लेकिन लोकेशन खन्ना की ही दिखाई जा रही थी। तो रात भर सर्च अभियान चला, कभी पंजाब का जो थाना था खन्ना का, हम वहाँ जाते रहे, उनसे हेल्प ली थोड़ी बहुत जैसा हो सका कि उनके परिवार वाले लोगों से संपर्क किया जाए कि उनको बुलाएं। तो करते करते लास्ट में 1 बजे वो लड़की हमारे संपर्क में आई, उससे पूछताछ की गई और जिन्हें वो बच्ची दी थी 4:30 बजे के बाद हमने उस बच्ची को रिकवर किया खन्ना से ही, और सुबह उसी समय 5 बजे तक हमने वो बच्ची उसके पिता को सौंप दी क्योंकि उसके पिता हमारे साथ। हिसार से ANT नेशनल के लिए प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं ANT नेशनल, खबर वही जो हो सही।